हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माय सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 12th वाले स्टूडेंट्स का 5 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। सही सुना आपने, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। लगातार का मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, लगातार ये जीवन परिचय आया है भैया। 2024 में भी ये जीवन परिचय आएगा। तो जब मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जीवन परिचय जो होता है इसका जो 10 नंबर है वो फिक्स होता है, यानी कि 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय का और 5 नंबर कवि के जीवन परिचय का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा जो भैया ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। मेरा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमारे 12th के ऐसे लेखक हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पता नहीं बोर्ड एग्जाम से इनका कैसा रिश्ता है कि ये हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, और आपको 5 नंबर दिलाते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप जीवन परिचय बताइए, जो चीज फिक्स है उसको क्यों नहीं बताते आप? तो भैया आ गए हैं हम, ठीक है, अब आपको सारी चीजें बताएंगे और मैं बताता भी रहता हूं। आज स्पेशल वीडियो में लेकर आया हूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस वीडियो में हम जानेंगे, 12th वाले स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन रहता है, सर हम जीवन परिचय लिखें कैसे कॉपी में ताकि हमें एग्जामिनर जो है जीवन परिचय के 5 में 5 नंबर पूरे दे। तो भैया जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर ऐसा लिखकर आओगे तो यकीन मानिए 1 नंबर तो छोड़िए, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे लिखेंगे हम जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जीवन परिचय लिखना है कि साहित्यिक परिचय हमें लिखना है 12th में? तो सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम, क्योंकि माय नेम इज शुभम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, जब भी आप जीवन परिचय लिखें, कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो सबसे पहले, भले ही साहित्यिक परिचय आपसे पूछा गया हो, एक छोटा सा जीवन परिचय पहले लिखना है। मेरे कहने का मतलब है, आपके 12th में तो आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए, ठीक है, कृतियों का मतलब रचनाओं को। तो आप कहते हैं सर साहित्यिक परिचय ही लिखें, तो पहले, सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। इसमें लिखना क्या है, कोई भी लेखक हो, पहले आप लिखिए उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का नाम लिखिए, माता पिता का कितना बड़ा योगदान है सबको पता है, ठीक है, हमारे लाइफ में वो नहीं होते तो हम कहां से आते। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जिसका भी जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे हम जीवन परिचय, उसमें उनका जन्म उनकी मृत्यु लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है साहित्यिक परिचय, फिर हम उसको डालेंगे, उसके बाद रचनाओं को लिखेंगे, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, जिला है बलिया भैया, गांव है दुबे का छपरा नामक ग्राम, ठीक है, तो उनका जिला और गांव दिया गया, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है। अब आते हैं इनके पिताजी, डैडी जी का नाम भी लिखना है। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मतलब इनके पिताजी भी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो पढ़े रहेगा उसके घर में भी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए, इनके पिताजी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो इनका बेटा जो है इतना बड़ा इतिहासकार, निबंधकार, साहित्यकार क्या क्या है वो अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है, कितनी क्वालिटीज हैं इनमें। आगे देखिए, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, विभूषित के बाद किया लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इनकी मृत्यु हो गई, भैया जो आया है उसको कभी ना कभी तो जाना है, ठीक है, अपना टाइम आएगा। तो देखिए, 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया, यानी कि 1907 में इनका जन्म हुआ, 1979 में इनकी मृत्यु हुई।
दो तीन लाइनें आपको लिखनी है कॉपी में कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी जी संस्कृत और ज्योतिष के प्रकार विद्वान थे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हो गई। बस जीवन परिचय में इतना ही लिखना है। अब हम चलते हैं अपने उस हेडिंग की ओर जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके जीवन परिचय में, ठीक है, जो कि है साहित्यिक परिचय। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। देखिए एग्जाम में मेनली साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि खुद को प्रेजेंट करना है। आप कितने अच्छी तैयारी कर ले एग्जाम में अगर आपके पास खुद को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 घंटे का समय, 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, उसमें प्रूफ करना होता है, तो ये सारी चीजें पहले से पढ़े रहेंगे, जाकर एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिख देंगे। पूरी तैयारी मैं करवाता हूं सभी सब्जेक्ट की, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे रेगुलर। ठीक है, आपको तैयारी करनी है तो आप रेगुलर कीजिए, गैपिंग मत कीजिए, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए। हिंदी को भी जरूर रखिए, दैट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95+ इजीली ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब साहित्य में ये किस प्रकार थे, इनका योगदान कैसा है, ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। और कितनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक भी थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे, एक लेक्चरर भी थे और टीचर भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज थी इतने इनके अंदर। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे अगर मेहनत करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज हो जाएंगी। ठीक है, क्वालिटी कैसे बनती है, आप लोग धीरे धीरे मेहनत करेंगे, एक एक सीढ़ी सफलता की चढ़ेंगे और एक दिन शिखर पर पहुंचेंगे। ठीक है, शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब वे जो है संस्कृति इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इनके पिताजी विद्वान थे भैया, तो उनका असर इन पे भी पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। मतलब इनकी रचनाएं जो है उनमें नवीनता और प्राचीनता का भी समन्वय था। ठीक है, साहित्यिक परिचय थोड़े डिटेल में लिखना है, एक चीज याद रखिएगा, लिमिट में ही लिखना है। जैसे आपको 80 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है जीवन परिचय, तो आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, 2-4 शब्द वर्ड आगे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि टाइमिंग होता है, एक पार्टिकुलर एक लिमिट में आपको टाइम मिलता है, उसी के अंदर आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना होता है, सिर्फ जीवन परिचय ही नहीं रहता। ठीक है, आगे देखिए, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनत भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतने सारी क्वालिटीज थी, आपको साहित्यिक परिचय में यह भी लिखना है पहले तो ये क्या क्या थे। ठीक है, क्या क्या थे निबंधकार, इतिहासकार, ठीक है, कैसी रचनाएं करते थे, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। इनको पुरस्कार देखिए कौन कौन सा मिला, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य सेवा के लिए डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तो जब आप कुछ करेंगे तभी आपको आगे प्राइज भी मिलेंगे। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं भैया, हमारे जब बच्चे फैमिली बढ़ती है तो हमें भी प्ले बटन्स मिलते हैं, ठीक है, पुरस्कार। तो जो आप काम करेंगे अगर अच्छी दिशा में करेंगे तो आप पुरस्कृत होंगे, ये क्लियर है। तो ये इतने सारे क्वालिटीज थी भैया, तो इनको पुरस्कार मिलना ही मिलना था, डीलित, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, सारे पुरस्कार मिले। ठीक, ये था इनका साहित्यिक परिचय। और भी बड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए संपादन किया इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य। देखिए ये दो लाइनें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, यहां से देखिए, इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है, मतलब ललित निबंध भी लिखते हैं, जो हमारे 12th में इनका चैप्टर है अशोक के फूल, वो एक ललित निबंध ही है।
ठीक है। आगे देखिए, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक, तो आप लोगों को साहित्यिक पर्चे में थोड़ा अच्छे से लिखना है और ध्यान रखिएगा 80 वर्ड से बहुत ज्यादा ना लिखिए, ठीक है, लिमिट में लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और देखिएगा कि कितने वर्ड में हमारा हुआ है। ठीक है, कोई भी लेखक है, कोई भी कवि है, आप ऐसे ही जीवन पर्चे लिखिएगा, बस जो उनके क्वालिटीज हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनका जन्म समय जन्म स्थान है वो आप उनका लिखिएगा, बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। रचनाओं कृतियों में कोई अंतर नहीं है भैया, ठीक है, उनके साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए, कृतियां बोलिए या रचनाएं बोलिए, दैट्स अ सेम, दोनों सेम ही है, नहीं तो आप लोगों को वहां कृतियां आ जाए, आप कहें सर आपने रचनाएं कहा है, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत कीजिए, कंफ्यूज रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, एक एक डाउट को आपको सॉल्व करते हुए चलना है, और मैं तो सारा सॉल्व कराता हूं, कोई भी टॉपिक है सर्च करो, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, कुछ भी पढ़ना है बस आपका पढ़ने में मन लगना चाहिए, जब मन ही नहीं लगेगा तब आप कहां से पढ़ पाएंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है, बस आप लोगों के अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, एक टारगेट बनाकर उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और टॉपर बनिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब ऐसी तैयारी होगी जो ना तो किसी ने कराया होगा और ना कराएंगे। ठीक है, हम आपको स्पेशल वीडियो देंगे सारी क्लासेस का, तो टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक, तो रचनाएं देखिए, आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, देखिए, निबंधकार थे ये, आलोचक थे ये, इतिहासकार थे ये, उपन्यासकार थे, तो भैया जो जो थे उसकी रचनाएं भी होंगी। देखिए, निबंध संग्रह इन्होंने निबंध में रचनाएं की, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह। देखिए, जो जिस प्रकार की रचनाएं हैं, अगर काव्य रचनाएं हैं कवियों में तो काव्य संग्रह हेडिंग डालेंगे। ठीक, यहां पे निबंध संग्रह। देखिए, अशोक के फूल हमारे 12th में भी है भैया, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनकी निबंध रचनाएं हैं। ठीक है, और इसमें दो बेनिफिट है, क्वेश्चन आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, कुटज किसका निबंध संग्रह है, अगर आप पढ़े होंगे तो बता देंगे अरे भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसमें क्या है, सिंपल सा है। ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आपको विचार प्रवाह दे दिया गया ऑप्शन, बाकी तीन ऑप्शन दूसरे लेखक का की रचना दे दी गई, तो आप सही कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखिए, आलोचना साहित्य में इन्होंने कौन सी रचना की, सूरदास कालिदास की लालित की योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये सारी रचनाएं इन्होंने आलोचना में की, क्योंकि ये आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, तो भैया उनकी रचनाएं भी होंगी। आगे और रचनाएं हैं, अभी तो उपन्यास बाकी है, इतिहास बाकी है, ठीक है, संपादन है, तो इतिहास में देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास की रचनाएं हैं, क्योंकि ये भैया इतिहासकार भी थे। ठीक है, समझ में आया। देखिए, नेक्स्ट हमारा है उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं, चार रचनाएं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में इन्होंने, क्योंकि संपादक भी थे तो कुछ ना कुछ संपादित किया होगा, नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये इनकी संपादन रचनाएं हैं। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको हेडिंग वाइज स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोचिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 5 नंबर का विस्तृत तरिया आता है, उसको 2-3 पेजेस में लिखना होता है, फ्री में 5 नंबर नहीं मिलते, तो इसमें भी मिनिमम 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, अनुदित रचनाओं में देखिए, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये सारी रचनाएं इनकी है, अनुदित रचना है। ठीक है, तो ये था पूरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। भैया कैसे लिखोगे इनका, देखिए शुरू से मैंने बताया, छोटा सा जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम लिखेंगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, ये क्या थे, साहित्य में इनका परिचय कैसा है, कौन से इनको पुरस्कार मिले, किस प्रकार के लेखक थे। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, रचनाओं में जितनी रचनाएं हैं सारी की सारी लिख देंगे। अब ये था आपका पूरा जीवन परिचय। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है,
तो मैं सारी चीजें देता हूं, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड ना कर रहा हूं। बस आप करेंगे क्या, जाकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के साथ मेरा एप्लीकेशन भी है, तो आप सबको तो पता होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा भैया, सही सुना, कॉन्टेक्ट नंबर का मतलब फोन नंबर, ठीक है, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सारे पीडीएफ नोट सारी चीजें मैं आपको देता हूं, क्योंकि पूरी तैयारी अब की होगी और अब की हम आग लगा के आएंगे, ठीक है, मतलब टॉपर बनकर आएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आएंगे जीवन परिचय या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, ताकि आपका ऐसे ऐसे पांच पांच नंबर क्लियर होता चले, दस दस नंबर क्लियर हो जाए और हम पहुंच जाए 100/100 पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।